नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश आपका स्वागत करता हूँ शैलेश एंड एनएच टीवी में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई फूड से रिलेटेड बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए फूड ट्रक का बिज़नेस बहुत बढ़िया ऑप्शन है। चाहे तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फूड से रिलेटेड जो आइटम होते हैं उसका आप बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो दोस्तों रेस्टोरेंट की कंपैरिजन में फूड ट्रक का बिज़नेस आपके लिए कम इन्वेस्टमेंट में और आप जिसे जल्दी मैनेज कर सकते हैं इस तरह का बिज़नेस है दोस्तों। क्योंकि ना ही इसमें आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बहुत बड़े स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है कि दोस्तों जो भी डिश आप बेचना चाहते हैं उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। इस बिज़नेस को शुरू करने से यह बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि आने वाले समय में यह बिज़नेस और भी पकड़ पकड़ने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आप अपने पूरे फूड ट्रक का सेटअप को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले आ जा सकते हैं। अगर आपकी अगर इच्छा होती है कि मैं इस जगह पर ना लगाऊँ और दूसरी जगह पर अपने अपने बिज़नेस को लगाऊँ तो इस आप फूड ट्रक का सेटअप वहाँ पर हिला सकते हैं, वहाँ पर ले जा सकते हैं दोस्तों। अब समझ लेते हैं कि फूड ट्रक का बिज़नेस होता क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास में कोई भी वाहन है और उसके अंदर में आप कुछ खाने की चीज़ बना रहे हैं और उसको बनाकर बेचने का जो आप काम कर रहे हैं वह दोस्तों फूड ट्रक बिज़नेस होता है। देखिए, इस बिज़नेस में आप खाने की चीज़ बनाने के लिए जो आपके पास में रॉ मटेरियल और जो आपके पास उसको बनाने के लिए जो टूल्स यानी कि दोस्तों जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वह दोस्तों कुक ट्रक के अंदर ही मौजूद होता है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो फूड ट्रक का बिज़नेस बहुत पसंद किया जा रहा है, जिसका दोस्तों मेन मेन रीज़न यही है कि तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने के आइटम्स आप वहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सैंडविच, चाहे तो हैमबर्गर्स और दोस्तों कॉकटेल राइस, चाइनीज़ और जो भी फास्ट फूड आप बनाना चाहते हैं उस तरह के आप उसमें बना सकते हैं। इस तरह के बिज़नेस में दोस्तों आप अपनी लोकेशन को भी बदल सकते हैं, यानी अगर आपको किसी एक जगह से दूसरे जगह पर अगर आपको अपने बिज़नेस चलाना है या फिर जहाँ पर आप लगाए हैं वहाँ पर कम चल रहा है तो आप दूसरी जगह पर आसानी से इस बिज़नेस को क्योंकि आप गाड़ी पर ही बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इसे आप शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं कि फूड ट्रक का बिज़नेस आपको क्यों शुरू करना चाहिए। तो देखिए, इस समय में अगर देखा जाए तो फूड ट्रक का बिज़नेस काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग पर चल रहा है क्योंकि लोग रेस्टोरेंट की बजाय फूड ट्रक पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जब से फूड ट्रक का बिज़नेस शुरू हुआ है इसमें कुछ भी गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है दोस्तों। इसी तरह से अगर बात करूँ तो दोस्तों फूड ट्रक का बिज़नेस आपके लिए काफ़ी सेफ और प्रॉफिटेबल बिज़नेस है दोस्तों। दूसरी बात, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कम लगता है दोस्तों। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप इसे कम पैसों की इन्वेस्टमेंट के साथ में भी शुरू कर सकते हैं। आप नए ट्रक के बजाय एक पुरानी गाड़ी को खरीद कर उसका यूज़ कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपके मुनाफे पर आपका जो प्रॉफिट है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। जब आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि दोस्तों फूड ट्रक बिज़नेस में कभी कभी किसी तरह के जो आप जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आपको कुछ पैसे अपने पास बचा के रखना होगा जो कि दोस्तों आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है। और दोस्तों इसी तरह आप पहले से ही डिसाइड कर ले कि आपको कौन से समय पर आपके फूड को बेचना शुरू करना है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपको साफ़ सफाई करनी होती है, मैनेजमेंट करना होता है, खाना बनाना पड़ता है, बाकी के जो आपके ऑर्डर के लिए जो आपको टेबल कुर्सी या फिर आप जो भी लगाना चाहते हैं उसको देखना होता है। और दोस्तों इसके बाद में अगर आपने एक टाइम सोच भी लिया है तो आपको शुरू करने से कुछ कुछ घंटे पहले वहाँ पहले पहुँचना होता है। और आप अगर चाहते हो कि आप एक आपने टाइम डिसाइड किया है बंद क्लोज करने का, तो अगर दोस्तों आपके कस्टमर चलते चलते रहते हैं तो हो सकता है कि आप उस टाइम पे क्लोज ना कर पाए तो आपको सामने की भी तैयारी रखनी पड़ती है। इसका मतलब दोस्तों कि आपको जो आपका टाइम आप सोच रहे हैं उस टाइम को थोड़ा सा इधर उधर आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना होगा, हो सकता है दोस्तों। जब भी आप फूड ट्रक बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप दोस्तों यह होता है कि आप किस तरह का फूड ट्रक बिज़नेस खोलना चाहते हैं।
तो दोस्तों फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा को बेचना चाहते हैं, या फिर डोसा कॉर्नर करना चाहते हैं, या फिर आइसक्रीम करना चाहते हैं, इस तरह का। तो दोस्तों जब आप एक बार इसका चूज़ कर लेते हैं आपको किस तरह का फूड का प्रोडक्ट बेचना है, फिर उसी के हिसाब से आपको अपने फूड ट्रक के बिज़नेस को नाम देना होगा। दोस्तों आपके आपके बिज़नेस का नाम एक जहाँ तक हो सके देखिए कि यूनिक हो, अट्रैक्टिव हो। और दोस्तों आजकल मार्केट में क्वालिटी की कीमत के साथ साथ ब्रांड भी बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए आपके बिज़नेस का नाम सबसे अलग होना चाहिए। बात करते हैं कि आपको फूड ट्रक के बिज़नेस के लिए जगह किस तरह से चूज़ करनी चाहिए। देखिए फूड ट्रक के बिज़नेस को खोलने से पहले आपको यह देख लेना होगा कि आप जिस जगह पर अपना फूड ट्रक ले जाकर बिज़नेस करना चाहते हैं वहाँ की जगह जो है वो गवर्नमेंट ने फूड ट्रक बिज़नेस करने के लिए बोले तो परमिशन दी है कि नहीं दी है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि गवर्नमेंट कुछ जगहों पर फूड ट्रक को बिज़नेस करने 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 के लिए अनुमति नहीं देती है, लेकिन इसीलिए ऐसी जगहों को आपको पहले से ही पता कर लेना होगा। दोस्तों फूड ट्रक बिज़नेस एक तरह का रेस्टोरेंट ही होता है जिसमें आपको ऐसी जगह देखनी होती है जहाँ पर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। हालांकि इस बिज़नेस में आप अपने बिज़नेस की जगह को आपके हिसाब से आप चाहे तो बदल भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप फूड ट्रक का बिज़नेस खोलते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके कॉम्पिटिटर सीधे तौर पर जो होते हैं वह रेस्टोरेंट और होटल से होते हैं, इसीलिए आपके ट्रक को कोई भी रेस्टोरेंट अपने आसपास रहने नहीं देता। इसीलिए इन इन सब बातों को भी आपको ध्यान देना है और उसी तरह से आपको एक जगह को चूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें कौन सी लगने वाली है। तो देखिए इस बिज़नेस के लिए सबसे ज़रूरी जो होते हैं वह है व्हीकल। तो दोस्तों यह आपकी बेसिक बेसिक ज़रूरत हो गई। जब भी किसी व्हीकल या फिर आप गाड़ी को चूज़ करते हैं तो देखिए उसके अंदर में बिज़नेस के बिज़नेस आप जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसके हिसाब से जगह होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपके पास में स्टोव, गैस यह सब रहने चाहिए। जैसे कि दोस्तों फूड ट्रक के बिज़नेस में आपको जो भी आपको खाने की चीज़ बनाने वाले हैं उसको पकाने के लिए स्टोव की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों स्टोव आपको साइज़ के अपने आपके बिज़नेस के साइज बिज़नेस के हिसाब से उसका उसके उसका साइज़ खरीदना होगा और उसको चूज़ कर लेना होगा। दोस्तों इसके बाद आपको जालियों की ज़रूरत पड़ेगी। खाना बनाते बनाते समय स्टोव पर रखने के लिए लगती है। दोस्तों खास तौर पर जालियों की मदद से ही आप ओवन हुए, फ्राई करने वाले चीज़ें हुए और ब्रेड हुए यह सब आप पका सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आप जैसे कि बर्नर स्टोव, बर्नर ओवन यह सब जो आते हैं, टू ओवन यह सब आते हैं, इसको आपको ख़रीदना होगा। दोस्तों स्टोव के साथ में ग्रिल्स की कई तरह के चीज़ें मिलती है, इसलिए आपको अपने फूड प्रोडक्ट के लिए जो 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 आपको यूज़फुल रहने वाला है उसी स्टोव और ग्रिल्स को खरीदिए। दोस्तों इसी तरह आपको जिस तरह से आपने जगह चूज़ की उस तरह आपको आपके व्हीकल को भी अच्छी तरह से चूज़ कर लेना है, क्योंकि देखिए फूड ट्रक के बिज़नेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस व्हीकल पर अपने बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों मार्केट में कई तरह तरह के व्हीकल है जिनमें से आप अपने बिज़नेस के हिसाब से किसी भी एक को चुन सकते हैं। दोस्तों व्हीकल लेते समय ध्यान दें कि व्हीकल के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप इसमें अपने सामान के साथ साथ खाना बनाने की चीज़ों को भी रखोगे और लेना जाना इससे ही आप करोगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। तो देखिए फूड ट्रक के लिए सबसे सबसे ज़रूरी यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं वह होते हैं दोस्तों खाना बनाने के लिए लगने वाले, और डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना बनाना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप किस तरह से अपने फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसकी प्रोसेस क्या होने क्या क्या रहने वाली है, इन सब चीज़ों पर यह डिपेंड करता है। इसके बाद आपके पास में एक फ्लैट टॉप ग्रिल भी आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों इसमें आप बर्गर, पेटीज, टोस्ट बंस, अंडे, आलू ये जो स्पेशल चीज़ें होते हैं उनको पकाने के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों इस चीज़ को खरीदने के लिए आपके पास में कम से कम 60,000 रुपये के आसपास में पैसे रहने चाहिए। दोस्तों बर्गर बनाने के लिए कुछ लोग स्टोव की जगह पर बन वार्मर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों बर्गर में जो यूज़ होने वाली ब्रेड होती है वह कम आंच पर ही उसे पकाना पड़ता है। इसके बाद में आपके पास में एक फ्रिज या फ्रीजर रहना चाहिए। देखिए आप फूड ट्रक के बिज़नेस के लिए आपके पास में एक फ्रिज या फ्रीजर
रहना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत देखा जाए तो 10,000 रुपये से शुरू होती है दोस्तों। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फ्रिज या फिर फ्रीजर ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जो फूड बनाना चाहते हैं वह आइसक्रीम जैसा हो, या फिर कोई जो दूध से रिलेटेड हो, दही से रिलेटेड हो, तो इसके लिए आपके पास में उसे ठंडा रखने के लिए फ्रिज की आवश्यकता पड़ सकती है। चाहे तो आप साथ में कोल्ड ड्रिंक भी अगर सेल करना चाहते हैं तो भी आपको फ्रीजर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। वर्किंग काम के लिए आपको टेबल की भी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। जो वर्क टेबल होते हैं वह कुछ को डिश तैयार करते समय लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्क टेबल पर रख कर आप डिश को तैयार कर सकते हैं। वर्क टेबल पर डिश में यूज़ होने वाले सब्जियाँ या फिर जो बाकी की चीज़ें होती है उसे काटने के लिए सेट करने में काम में आता है, इसलिए आपके पास में और दोस्तों वर्क टेबल ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, लेकिन कुछ लोग मेपल वुड से भी मेपल वुड का जो आते हैं उससे बनी हुई टेबल भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में आपके पास में एक सिंक और डिश वॉशिंग रहना चाहिए, क्योंकि धोने के लिए। देखिए ट्रक में साफ़ सफाई को रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यह आपका प्राइमरी काम है, क्योंकि साफ़ सफाई से आपका फूड भी अच्छा बनेगा और लोग आपके 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 फूड ट्रक को पसंद भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों खाने की चीज़ है और तो और प्रोडक्ट बना बना बनाने समय यह हेल्थ के हिसाब से आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। इसके लिए आपको तीन तरह के चीज़ों में से किसी एक को ख़रीदना होगा, जैसे कि हैंड सिंक आप लगा सकते हैं, या फिर साइड स्प्लैशिंग आता है उसे आप लगा सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड 3 टायर का कंपार्टमेंट का सिंक आता है उसे आप ख़रीद सकते हैं दोस्तों। आपके पास में एक फ्रायर और स्मोकर भी रहना चाहिए। देखिए कई बार कुछ स्पेशल फूड प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कम आँच पर फ्राई करने के लिए लोग फ्रायर का यूज़ करते हैं, जिसके लिए आपके पास में स्टैंडर्ड सिंगल के फ्रायर 2 बास्केट के साथ आते हैं, और दोस्तों या फिर और आपके पास में डीप फ्रायर और डोनट फ्रायर का आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत से रेस्टोरेंट इस समय में अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट बॉक्स स्मोकर का भी यूज़ करते हैं, जिससे कुछ स्पेशल स्पेशल टेस्टी जो खाने की चीज़ें हैं उनको उनको बनाने में यूज़ यूज़ किया जाता है। आपको अपने व्हीकल में एक विंडो भी बनवा लेनी होगी, जिससे कि आप अपने कस्टमर के ऑर्डर ले सकें और दोस्तों ऑर्डर पूरा होने के बाद में आप अपने फूड प्रोडक्ट को कस्टमर को दे सकें दोस्तों। इसके बाद आपके पास में आपके रसोई में कढ़ाई, चम्मच, चाकू, बर्तन, इन सब का खाना बनाने के लिए आवश्यकता होगी, तो इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ साथ आपके पास में गैस सिलेंडर भी रहना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि आप फूड ट्रक को कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो देखिए दोस्तों अगर आप फूड ट्रक को सीधे डायरेक्ट अगर ख़रीदना चाहते हैं बना हुआ तो आप दोस्तों मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है दोस्तों। लेकिन आप इस फूड ट्रक का डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इक्विपमेंट्स की अगर बात करें तो आप इक्विपमेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ख़रीद सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं फूड ट्रक की प्राइस के बारे में, तो देखिए एक ठीक ठाक फूड ट्रक बनवाने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपये तक का खर्चा आ सकता है। उसके अलावा व्हीकल ख़रीदने के लिए खर्चा अलग हो सकता है दोस्तों। वही अगर आपके पास में रेडीमेड फूड ट्रक खरीदते हैं तो यह आपको 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का खर्चा आ सकता है दोस्तों। फूड ट्रक के बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको कौन से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है, देखिए फूड ट्रक का बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको आपके लिए जो लाइसेंस आवश्यकता है दोस्तों FSSAI का, यह आपको निकालना होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो बिज़नेस है वह फूड से रिलेटेड है, खाने के जो आइटम्स होते हैं उससे रिलेटेड है, इसके लिए आपके पास में FSSAI का लाइसेंस रहना चाहिए दोस्तों। और जो खाने से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं उसका लाइसेंस लेने के बाद आपको अपने सिटी के RTO के पास में जाकर अपने फूड ट्रक के लिए जो व्हीकल लाइसेंस होता है उसको भी आपको निकाल लेना होगा, जिसके लिए आपको अपने फूड ट्रक के सभी सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और आपको व्हीकल लाइसेंस लेना होगा दोस्तों। इसके बाद आपको जो फायर डिपार्टमेंट होता है वहाँ से भी एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आप अपने फूड ट्रक में जो आग होती है
उसको सेफ रखोगे, सेफ रखोगे, इसके लिए वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनती है, तो उसे आपको बना वहाँ से आपको बनानी होगी। दोस्तों इन सब के लिए आपको एक्स्ट्रा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम NOC कहते हैं, इसको आपको लेना होगा। दोस्तों समय समय पर टैक्स टैक्स बदलते रहते हैं, इसलिए आपको अपने बिजनेस के लिए जो गवर्नमेंट के अनुसार दोस्तों GST का भी एक रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, और इसके बाद आपको एक GST नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों GST नंबर आपको लगेगा। अब बात करते हैं कि फूड ट्रक के बिज़नेस को जब आप शुरू कर लेते हैं तो इसमें से आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखिए दोस्तों, हालांकि किसी भी बिज़नेस में होने वाला प्रॉफिट यह आपके द्वारा आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसका वो कौन सी चीज़ है, किस तरह की चीज़ है, उसकी मार्केटिंग आपने किस तरह से की है और उसकी क्वालिटी क्वालिटी क्या है, इन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये के रॉ मटेरियल के पीछे आप 9,000 से 10,000 रुपये का प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपकी 1 महीने की टोटल इनकम 3 लाख रुपये हो रही है, जबकि दोस्तों 1.5 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्ट हुआ था, तो डायरेक्ट डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसमें 40 से 50% का आपका प्रॉफिट हुआ, आपकी इनकम हुई। तो दोस्तों इसके अलावा फूड ट्रक बिज़नेस में हर महीने प्रॉफिट बढ़ते रहता है, बस आपको देखना होगा कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी और सर्विस के तरफ आपको आपको ध्यान देना होगा और यह आपको मेंटेन करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फूड ट्रक के बिज़नेस को जब आप शुरू करते तो किन बातों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। देखिए व्हीकल का आपके जो व्हीकल है उसके रिस्क की तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों यह आपको इस बिज़नेस में खतरा हो सकता है, क्योंकि आप जो भी जिस व्हीकल में आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं उस व्हीकल का खर्चा आ सकता है, क्योंकि अगर आपके व्हीकल में कुछ खराबी आ जाती है तो इसमें आपका काफ़ी पैसे लग सकते हैं, जो आपके आपके बिज़नेस बिज़नेस का जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो आप इनकम बना रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद आपको क्वालिटी और टेस्ट की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी खाने का जो आइटम होता है वह उसके क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों बस यही एक सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाती है कि अगर आप अपने फूड ट्रक के बिज़नेस को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आपको क्वालिटी की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों खाने का आइटम है, टेस्ट लोगों को टेस्ट चाहिए और टेस्ट की तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप कौन से फ्लेवर किस किस समय पर ग्राहक को दे रहे हैं और किस किस समय पर आप अपने बिज़नेस में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो इसके तरह इन यह सब बातें हैं जो आपको देखनी होगी। इसके बाद में अगर आपका मैनेजमेंट कमज़ोर रहता है तो भी आपको कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस में रिस्क आ सकती है। दोस्तों हालांकि हर बिज़नेस में मैनेजमेंट अच्छा ही होता है, लेकिन खाने के जो आइटम होते हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देनी होती है। आपको पहले से ही एक अपने फूड ट्रक के बिज़नेस का मैनेजमेंट देख कर लेना होगा, और वरना दोस्तों अगर मैनेजमेंट कमज़ोर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को रिस्क आ सकता है। दोस्तों इसके बाद में आपको जो लोगों को चूज़ करना होगा अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, दोस्तों ऐसे जो ग्राहक से अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, जो खाना बनाने में एक्सपर्ट हो, इस तरह के लोगों को आपको चूज़ करना होगा। इतना ही नहीं, आपका अपने जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग भी देनी होगी, क्योंकि अगर किसी किसी को अगर कुछ नहीं आता है तो उन्हें दोस्तों आपको बताना होगा, या फिर आपको आप उस समय पर आपके बिज़नेस में कहीं ना कहीं रिस्क आ सकती है। दोस्तों इसके बाद में आपको मार्केट को भी समझना होगा अपने फूड ट्रक के बिज़नेस को। दोस्तों अगर लॉस में नहीं जा नहीं देना नहीं जा नहीं देना चाहते हैं तो आपको समय समय पर आपके बिज़नेस का प्रमोशन भी करते रहना होगा, क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग ही आपके बिज़नेस को बढ़ाती है। इसीलिए हमेशा दोस्तों मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए और कस्टमर क्या क्या ट्रेंडिंग पर प्रोडक्ट चल रहा है, और अपनी जो आपकी जो फूड रेसिपी है उसके तरफ आपको ध्यान देके उन उन चीज़ों को भी अगर आप प्लस करते हो तो आपके बिज़नेस को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों यह था वीडियो फूड ट्रक बिज़नेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बारे में आपके दिल में कुछ भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में अक्सर लगे आते रहते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।